सावन का महीना झूम कर आया तो मुस्लिम सिंगर फरमानी नाज ने महादेव को खुश करने के लिए झूम कर एक गीत गाया, हर हर शंभो। गीत भी ऐसा गाया कि देखते ही देखते ये देश भर में वायरल हो गया। ये और बात है कि इस गीत के बाद उन्हें फतवों और विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन फतवों और विरोध का उन पर तनिक भी असर नहीं हुआ, उल्टा उनका हौसला और बुलंद ही हुआ। फरमानी ने विरोध करने वालों को साफ कह दिया कि मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, कोई भी गाने या संगीत को धर्म से ना जोड़े। जब हम कुछ गाते हैं तो उसे सिर्फ एक कलाकार के तौर पर गाते हैं, और मैं आगे भी अपनी गायकी जारी रखूंगी। खैर, हर हर शंभू के बाद फरमानी नाज ने अब कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए भगवान कृष्ण पर एक भजन गाया है, जिसके बोल हैं हरे हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। यकीन मानिए कि फरमानी का ये गीत तो हर हर शंभू से भी तेज रफ्तार से वायरल हो रहा है। ये गीत भी अपलोड होते ही देखते इसे लाखों लोगों ने देख लिया। इस गाने को लेकर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बहरहाल, हर हर शंभू के बाद भगवान कृष्ण पर फरमानी नाज का गाया ये गीत ये साबित करता है कि वो फतवा जारी होने और विरोध से डरी नहीं है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी करके भी कहा था कि वो आने वाले वक्त में और भी कई हिंदू गीत गाने वाली हैं। बहरहाल, आपको बता दें कि फरमानी नाज यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव मोहम्मदपुर माफी की रहने वाली है। साल 2017 में उनका निकाह मेरठ के छोटा हसनपुर गांव के इमरान से हुआ था, लेकिन बाद में पति ने उन्हें तलाक दे दिया और फरमानी वापस अपने घर आ गई। बता दें कि वो रियलिटी शो इंडियन आइडल में भी हिस्सा ले चुकी हैं, मगर बेटे की खराब तबीयत के कारण उन्हें शो छोड़कर वापस जाना पड़ा था। खैर, आपको फरमानी नाज के ये दोनों गीत कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। टीम खबर अपडेट।